नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जनरल नॉलेज के 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और हमें बताना कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। और अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं तो गुरुकुल अकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेना और ऑन कर लेना बेल आइकन को, ताकि हमारे न्यूली अपडेट की नोटिफिकेशन तक पहुंचते रहे और आप लोग लगातार फायदा उठाते रहे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिएगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? डिएगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? हिंद महासागर में है डिएगो गार्सिया द्वीप, तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो सिकंदराबाद में है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ पर है? जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, मुंबई में है जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले पहले प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, यानी कि ऑप्शन ए होगा यहाँ पे सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी पूछा गया था फ्रेंड्स, 1953 में, 1953 में हुई थी यूजीसी की स्थापना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, बैंकों में पहली बार एटीएम का प्रयोग किस वर्ष हुआ? बैंकों में पहली बार एटीएम का प्रयोग किस वर्ष हुआ था? तो 1974 में, 1974 में हुआ था बैंकों में पहली बार एटीएम का प्रयोग, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1962 में किया गया था, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा यहाँ पे से आंसर। अगला क्वेश्चन है, सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? सास बहु मंदिर कहाँ पर है? ग्वालियर में है सास बहु मंदिर, ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ पर है? चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ पर है? याद रखना, उज्जैन में है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा किस वर्ष लागू हुआ था? ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा किस वर्ष लागू हुआ? तो 1215 में लागू हुआ था ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो तक्षशिला है ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है डलहौजी नामक पर्वतीय नगर, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई? ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई थी? तो याद रखना, 1928 में शुरू हुई थी ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की प्रथा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो हैंसेन ने की थी फ्रेंड्स कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज, आप लोग याद रखना, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था, 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जाट नेता राजा राम ने किस शासक का कब्र लूटा था?
जाट नेता राजा राम ने किस शासक का कब्र लूटा था? तो अकबर का कब्र लूटा था फ्रेंड्स जाट नेता राजा राम ने ही, आप लोग याद रखना। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मातृ दिवस किस महीने में मनाया जाता है? मातृ दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स मई महीने में मनाते हैं मातृ दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई थी? भारत में रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई थी? तो 1843 में शुरू हुई थी फ्रेंड्स, 1843 में भारत में रविवार की छुट्टी प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे मेरा निवेदन है, आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, ताकि आपके साथी भी हमारे साथ जुड़ें, वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ें। और अगर आप लोग यहाँ पर आज पहली बार आए हैं तो गुरुकुल अकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑन कर लेना बेल आइकन को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप लोग लगातार वीडियोज़ का फायदा उठाते रहें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो डी के कार्वे ने की थी फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, डी के कार्वे ने की थी भारत में पहले भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? संसद कहलाता है सोने का सबसे बड़ा सिक्का। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? दिल्ली को राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने किया था फ्रेंड्स, याद रखना, विलियम विल्किंस ने किया था गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी वायरस की खोज। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की घोड़ी का क्या नाम था? सिकंदर की घोड़ी का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स बुकाफेला था सिकंदर की घोड़े का नाम, आप लोग याद रखना। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किस वर्ष किया गया? संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड्स 1927 में किया गया था, 1927 में किया गया था संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की गई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1920 में हुई थी, 1920 में हुई थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? फ्रेंड्स वैशाली में थी वज्जी महाजनपद की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? तो तोता ए हिंद था फ्रेंड्स, तोता ए हिंद था अमीर खुसरो का उपनाम। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो के क्वेश्चन, जो कि अभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए थे, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो लाइक कर देना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के पास। और अगर आप लोग यहाँ पर आज पहली बार आएँ तो गुरुकुल अकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेना और ऑन कर लेना बेल आइकन को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप लोग लगातार वीडियोज़ का फायदा उठाते रहें। और फ्रेंड्स अगर किसी भी साथी को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आज की वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेंशन करके डाउट क्लियर करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की हमारी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।